टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी मित्रों को पंकज ओझा का नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके सामने फिगर ऑफ स्पीच के 100 क्वेश्चंस का पार्ट वन ले आ रहा हूँ। इसमें मैं टोटल आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा और ये कम से कम 5 पार्ट में आएगा ताकि आपको भी बोझिल ना लगे, और ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और मैं नहीं चाहता कि आपका समय थोड़ा भी मैं बर्बाद करूँ। इसलिए क्विक रिवीजन के लिए आइए वन लाइनर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, द राइचस शैल फ्लरिस एज द पाम ट्री। जो राइचसनेस है, जो अच्छाई है, वो कैसे फ्लरिश होती है? पाम ट्री के जैसे। तो यहाँ पे कंपैरिजन है बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर सिमली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटिस बीस्ट। ओ जजमेंट, यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस है, सीधा सीधा संबोधन है किसको? जजमेंट को। एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जजमेंट, तो जब किसी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया या अब्सेंट पर्सन या डेड पर्सन को डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है तो वहाँ पर एपोस्ट्रफी होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड। मूर्ख दौड़ के वहाँ जाता है, बहुत जल्दी से वहाँ जाता है जहाँ पे देवदूत कदम रखने से भी डरते हैं। ये थोड़ा सा एंटीथेटिकल है, ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग दिख रही है इसमें, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है एपिग्राम होगा। एपिग्राम की दो विशेषताएं होती हैं, एंटीथेटिकल होगा, ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग होगी, तब एपिग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। यहाँ पर कौन सी फिगर आप इस पीछे दोस्तों? आयरनी है, क्योंकि आयरनी में क्या होता है, कहता कुछ है अर्थ कुछ और निकलता है, मतलब कहना कुछ और चाहता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर कोई या किसी से कहूँ जो बहुत ही बेईमान व्यक्ति हो और उससे मैं कहूँ तुम तो बड़े ईमानदार हो, तो वही एंटनी वहाँ यहाँ कह रहा है जूलियस सीजर में कि ब्रूटस कहता है कि सीजर एम्बिशियस था और ब्रूटस तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर फाइव, द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल। यहाँ पर मटानमी होगी दोस्तों। मटानमी में एक सिद्धांत है, कंटेनर फॉर द कंटेंट। अगर मैं कहूँ पूरा गांव मेला देखने गया, तो जाहिर सी बात है पूरा गांव नहीं गया, पूरे गांव के लोग गए। यहाँ कंटेनर की बात कर दी जा रही है। पूरा पूरा घर बाजार गया, पूरा घर उठ के बाजार नहीं गया, घर के लोग गए। तो जहाँ कंटेनर फॉर द कंटेंट होता है वहाँ मटानमी होती है, ये याद रखिए। ही हैज़ मेनी माउथ्स टू फीड। उसके पास कई मुख हैं खिलाने के लिए, मतलब उसके पास कई मुख हैं मतलब कई लोग हैं। पार्ट फॉर द होल सिनेकडकी हो जाएगा। अ लैक ही प्रेजेंटेड एन ऑब्सिक्यूअस कप ऑफ कॉफ़ी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसने एक चापलूसी भरी कप की कॉफ़ी प्रेजेंट की। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एपिथेट, जिसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं, उसको ट्रांसफ़र किया गया है। लैकी के पहले लगना चाहिए था, जो कि ट्रांसफ़र होके कप के पहले लग गया है, तो यहाँ पर सीधे सीधे ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा। एपिथेट को एडजेक्टिव भी कहते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज्ड, यहाँ पे लाइटिटीज हो जाएगा, क्योंकि लाइटिटीज में निगेशन होता है किसी चीज़ को, कि मैं थोड़ा सा सरप्राइज नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ। हु इज हियर सो वाइल दैट विल नॉट लव हिज कंट्री। दिस इज़ द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे इंट्रोगेशन होगा, जहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा जाता है लेकिन उत्तर की उम्मीद नहीं की जाती, क्वेश्चन में ही जवाब छुपा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। एक्सक्लेमेशन है, जब हम ज़्यादा जोर देना चाहते हैं तो इस तरह के सेंटेंस का यूज करते हैं, और इस तरह के सेंटेंस जहाँ भी दिखे वहाँ आपको जान लेना चाहिए कि यहाँ एक्सक्लेमेशन है। ही वॉज ए लर्नेड मैन एमंग लॉर्ड्स एंड अ लॉर्ड एमंग लर्नेड मैन। ही वॉज अ लर्नेड मैन एमंग लॉर्ड्स एंड लॉर्ड एमंग लर्नेड मैन। यहाँ एपिग्राम हो जाएगा, चूँकि ये फिर से एक एंटीथेटिकल आइडिया है और जो कि हमारा ध्यान आकृष्ट करता है, तो यहाँ पर एपिग्राम हो जाएगा। जब भी इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो आप उन्हें ध्यान से देखें, एंटीथेटिकल आइडिया होंगे, ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग होगी और
such brief pointed saying will try to arrest our attention. तो वहाँ पे epigram हो जाता है. Speech was given to man to conceal his thoughts. फिर से आप देखिए कह रहे हैं कि जो वाणी मनुष्य को जो वाणी दी गई उसकी thoughts को छुपाने के लिए दी गई. आपको antithetical विरोधाभासी नहीं लग रहा है लेकिन इसमें गूढ़ सत्य निहित है. इंसान बोल के बातों को कितनी बातों को छुपाता है. तो ये एक ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग है. एंटीथेटिकल आइडियाज है. स्पीच की बात कर रहा है कंसील हिज थॉट्स की बात कर रहा है. दोनों में आपस में विरोधाभास है. यहाँ एपिग्राम हो जाएगा. ये सेइंग भी है एंटीथेटिकल भी है इसलिए ये एपिग्राम हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13. द मोर हेस द लेस स्पीड. फिर से एपिग्राम होगा यहां. क्वेश्चन नंबर 14. आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी एंड बाई यू. यहां पे आयरनी है. कह रहा है कि मुझे अपनी ड्यूटी मेरी ड्यूटी तुम समझाओगे. प्लीज स्लीप माई काज एंड मेक हर सॉफ्ट लाइक दी. अब यहां लाइक दी से समझ में आ रहा है साफ साफ कि डायरेक्ट एड्रेस है. यहां पर शायद मैं उत्तर लिखना भूल गया हूं लेकिन ये प्लीड स्लीप माई काज एंड मेक हर सॉफ्ट लाइक दी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्ट एड्रेस एपोस्ट्रोफी हो जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे. यहाँ पे क्या हो जाएगा एपोस्ट्रोफी. नेक्स्ट क्वेश्चन. चैरिटी सफर्स लॉन्ग एंड इज काइंड. अब चैरिटी सफर कर रही है. चैरिटी कोई इंसान तो है नहीं जो सफ़र कर रहा है. यहाँ पे जाहिर सी बात है पर्सनिफिकेशन होगा. ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मेड अ फो. वो कभी भी दोस्त नहीं बना सकता जिसने दुश्मन नहीं बनाए हैं. एंटीथेटिकल आइडियाज हैं. ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग है. एपिग्राम हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18. आई थॉट 10,000 स्वॉर्ड्स मस्ट हैव लेप्ट फ्रॉम देयर स्कैबर्ड्स टू अवेंज अ लुक दैट थ्रेटेंड हर विदाउट इंसल्ट. 10,000 स्वॉर्ड्स की बात हो रही है. यहीं से आप पकड़ लेंगे कि यहां पर हाइपरबली है. क्वेश्चन नंबर 19. द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड शिलिंग अ डे. एंटी क्लाइमेक्स है. पहले तो ग्लोरी की बात की जा रही है फिर एक रुपए की या एक पैसे की बात कर दी गई. मतलब एक बहुत बड़ी बात करके बहुत छोटी बात कर दी जाए. जैसे हम कहते भी हैं कि यार क्या छोटी बात कर दी तुमने. तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो वहाँ पर एंटी क्लाइमेक्स होता है. बहुत बड़ी बड़ी बात करके बिल्कुल छोटी बात करना. कोई इंसान बहुत करोड़ों की बात करे और सीधे 5 रुपए उधार मांग ले वहाँ जान लो एंटी क्लाइमेक्स है. क्वेश्चन नंबर 20. ही जानर रूटेड इन डिसऑनर स्टोड एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फास्टली ट्रू. कई बार आ चुका है UPTGT में. यहाँ ऑक्सीमोरॉन है. तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना ना भूलें. मेरे चैनल का नाम द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें. थैंक यू वेरी मच दोस्तों.